राम मंदिर निर्माण की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। पिछले दिनों ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या पहुंचकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने हरिद्वार में अहम बैठक की, जहां से मंदिर के लिए हुंकार भरते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने जहां राष्ट्रवाद के नाम पर सियासी रोटियां सेकी, तो दूसरी तरफ राम के नाम पर भी सरकार राजनीति करना नहीं भूली। अपने घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात पर बल दिया था, और अब जब एनडीए दोबारा सत्ता में लौट आई है तो ऐसे में सरकार पर राम मंदिर के लिए दबाव बनाना लाजमी है। आरएसएस और साधु संत तो इसके लिए सरकार को आंख दिखा ही रहे हैं, वहीं अब विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर के लिए मुहिम छेड़ दी है। विश्व हिंदू परिषद ने हरिद्वार में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई, जिसमें शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से संत पहुंचे। इस दौरान पहले चरण में राम जन्मभूमि राम मंदिर विषय पर चर्चा हुई। देश भर से आए संतों ने बैठक में माना कि बीजेपी नीत सरकार ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का संकल्प किया था, तो अब सही वक्त आ गया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए। साथ ही इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। वीएचपी ने साफ कर दिया कि सरकार 2020 तक मंदिर का निर्माण कराए। इसके साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने और कश्मीरी हिंदुओं का घाटी में पुनर्वास कराने की मांग भी की। आपको बता दें कि राम मंदिर के साथ साथ इन मुद्दों को भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी थी, जिसे लागू करने को लेकर अब वीएचपी ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।